everyone, I am Shivani Solanki and I welcome you all to the PW Law वाला YouTube channel जहाँ पे student का एक major doubt इस channel पे मैंने कई बार देखा है और वो ये doubt है क्या हम self study से judiciary exam को crack कर सकते हैं या नहीं crack कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि ये सपना देख लेना कि self study से मैं exam crack कर सकता हूँ अपने आप में एक बहुत ही motivating and encouraging चीज है। ये कई बार देखा गया है रिजल्ट्स आने पे कि काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने बिना कोई कोचिंग के भी एग्जाम क्रैक किया है। ऐसा नहीं है कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको कोचिंग चाहिए ही चाहिए। कोचिंग जनरली वो स्टूडेंट्स लेते हैं जिनको एक रूटीन चाहिए, जिनको उन सब्जेक्ट्स पे कमांड चाहिए जो कि हो सकता है कि पहले के किसी टाइम में उन्होंने कमांड नहीं ली हो। एंड थर्ड इज कि उनको मार्गदर्शन चाहिए होता है, मेंटरशिप चाहिए होता है अपनी पूरी प्रिपरेशन के दौरान में। अगर इन तीन चीजों में आपकी कमांड अच्छी है, यू आर अ सेल्फ मेंटर, अपने आप को अच्छे से मेंटरशिप दे सकते हो, मोटिवेटेड फील करवा सकते हो, लॉ पर अच्छी कमांड है आपकी, तो आपको जुडिशरी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई बैच को सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आखिर वो क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम ये इंश्योर करें कि हमें कोचिंग की जरूरत नहीं और सेल्फ स्टडी से हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज आपको ये समझनी है कि सेल्फ प्रिपरेशन में एक सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए। बाकी तरीके आपको हर कोई बता सकता है, तरीके शायद आपको भी पता होंगे अपने प्रीवियस अटेम्प्ट से या लोगों से बात करने पे पता चला होगा या अपनी प्रिपरेशन के दौरान भी समझ आया होगा। या इस चैनल पे भी ऐसे वीडियोस हैं जो आपको अपनी जुडिशरी प्रिपरेशन कैसी करनी है, कब करनी है, उन सबके तरीके आपको बता रखे हैं। लेकिन आखिर सेल्फ स्टडी में वो मेजर चीज क्या है? मेजर चीज है कि जो सिलेबस या जो स्टेट को आप टारगेट कर रहे हैं उसका सिलेबस सबसे पहले आपको देखना है, क्योंकि वो सिलेबस देखने पर वो सब्जेक्ट्स आप देख पाएंगे जो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या वो सब्जेक्ट्स देख पाएंगे जो कि आपने ग्रेजुएशन में ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। और जो चीजें आपने ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ रखी है उसके लिए आपको कोचिंग की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जुडिशरी इज मोर अबाउट कॉन्सेप्ट्स एंड रिमेम्बरिंग द सेक्शंस। तो अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपने ग्रेजुएशन में अच्छे से कर रखी है या विद टाइम आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो चुकी है, तो अब समय है कि आप सिर्फ उन पर्टिकुलर सेक्शंस को अच्छे से मेमोराइज करें, वो एलिमेंट्स माइंड में अच्छे से छाप लें। और वो एलिमेंट्स बहुत जरूरी है, चाहे वो प्रिलिमिनरी में क्वेश्चंस को सिलेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना हो या मेंस में आंसर राइटिंग हो। अगर वो चीजें आपके माइंड में अच्छे से इमेज ड्रॉ नहीं हो रखी है उसकी, तो मेंस में आपको आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो सेल्फ स्टडी के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आप सिलेबस देख लो ताकि आपको पता चल जाए कि उसमें से कितने ऐसे सब्जेक्ट हैं विच आर नोन टू यू एंड विच आर द न्यू सब्जेक्ट्स। बिकॉज इफ द सब्जेक्ट्स आर न्यू एंड यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट सब्जेक्ट्स और यू आर नॉट फ्रेंडली विद दोस सब्जेक्ट्स और यू हार्डली होल्ड अ कमांड ओवर दोस सब्जेक्ट्स, देन इन दैट केस यू डेफिनेटली नीड अ कोचिंग या मेंटरशिप किसी की भी ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। बट सिलेबस ऐसा है जो कि आप इजिली कवर कर सकते हो, तो सेल्फ स्टडी करो। अब जब सिलेबस नोन हो चुका है तो वो सिलेबस का डेप्थ कितना है क्वेश्चन पूछने का, ये आप एनालाइज कर पाओगे पीवाईक्यू से। जाके उस पर्टिकुलर स्टेट जुडिशरी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ और ये देखो कि क्या आप क्वेश्चंस को समझ पा रहे हो, क्या वो ऑप्शंस मार्क कर पा रहे हो, क्या वो क्वेश्चंस उस एरिया से आए हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में ऑलरेडी लिस्ट में है, या वो क्वेश्चन समझना आपके लिए मुश्किल हो रहा है या आंसर्स आप मार्क नहीं कर पा रहे हो। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप गाइडेंस ले सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, आंसर्स मार्क कर पा रहे हो, तो मतलब आप सेल्फ स्टडी की तरफ डेफिनेटली बढ़ सकते हो। उसके बाद चीज आती है कि जब आप नोट्स बना रहे हैं तो क्या नोट्स बनाने का टेक्निक आपको अच्छे से पता है? नोट्स बनाने के अलग तरीके हो सकते हैं, कुछ चार्ट्स तरीके से बना सकते हो, डायग्राम्स बना सकते हो, पैराग्राफ्स में बना सकते हो अगर आपको याद रहे तो। मेंस आंसर राइटिंग स्किल अगर आपने धीरे धीरे डेवलप कर ली है, देन इन दैट केस आप सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्रैक कर सकते हो, नो नीड टू गो फॉर द कोचिंग। एंड लास्ट रहेगा खुद का सेल्फ एनालिसिस करना, वो सेल्फ एनालिसिस होगा मॉक से। बिकॉज कई बार जब आप मॉक देते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, पढ़ा सब कुछ होता है लेकिन रिकॉल करना मुश्किल हो जाता है या कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है उन क्वेश्चंस पे। तो अपने आप का सेल्फ एनालिसिस करें कि जिस स्टेट जुडिशरी को आप टारगेट कर रहे हो उसकी मेरिट कितनी होती है, क्या उस मेरिट से 10-15% ऊपर आप मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं, और अगर कर पा रहे हैं, गलतियां हो रही है, नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे। सेल्फ एनालिसिस करने पे अगर आप अपनी मिस्टेक्स को सेल्फ डिटेक्ट करके उस पर वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड वो प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है, नो नीड टू गो फॉर एनी कोचिंग। यू आर एब्सोल्युटली केपेबल ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम विद द हेल्प ऑफ सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ अलग विशेष प्रकार का कुछ गुट्टी पीनी पड़ेगी या कुछ एक अलग प्रकार की स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। बहुत नॉर्मल तरीके से उसी तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से आपने ग्रेजुएशन के दौरान
5 इयर्स या 3 इयर्स लॉ में पढ़ा, बस अप्रोच डिफरेंट रह जाएगा। दैट इज यहाँ पे डेली पढ़ना है, क्वेश्चंस डेली लगाने हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो, क्या आपने उतनी प्रिपरेशन की है जितनी कि एक्चुअली रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड है। अगर ये सारी चीजें आप में है तो आपको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है, आप सेल्फ स्टडी से भी अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हो। एक और चीज, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए या दूसरों की प्रायोरिटीज एंड प्रेफरेंस से खुद इफेक्ट ना हुए। किसी का प्रेफरेंस कोई टीचर हो सकता है, किसी का कोई इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस हो सकता है, किसी का कोई तरीका प्रेफरेंस हो सकता है, किसी का कोई बुक प्रेफरेंस हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप भी वो प्रेफर करो। हर पर्सन की प्रेफरेंस, हर पर्सन का लाइकलीनेस, लाइकलीहुड या हर पर्सन का जो प्रायोरिटी है वो अलग रह सकता है। हो सकता है कि आपको रात को पढ़ना अच्छा लगे, आपको ऑनलाइन पढ़ना अच्छा लगे, हो सकता है आपको ऑफलाइन पढ़ना अच्छा लगे, हो सकता है कि आपको ऐसे टीचर का अप्रोच अच्छा लगे जो ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ा रहा है, हो सकता है आपको वो टीचर अच्छा लगे जिसका कि कुछ मॉडर्न तरीके से पढ़ा रहा है। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन दी योर कन्वीनियंस कि आप किस वे में या किस मोड में कंफर्टेबल हो, कन्वीनियंट हो, उसी अप्रोच को अपनाते हुए आप सेल्फ स्टडी करके आराम से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बस मंत्र यही है कि सेल्फ कंसिस्टेंट रहें और हर वो चीज करें जो कि आपके जुडिशरी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जरूरी है। एट एवरी स्टेज, एवरी डे यू नीड टू एनालाइज एंड रीचेक योरसेल्फ, रीमोटिवेट योरसेल्फ, रीचैनलाइज योर एनर्जी अगर गलत जा रहे हो किसी डायरेक्शन में या आप खुद को बूस्टअप नहीं कर पा रहे हो। अगर इतनी कैपेबिलिटीज हम में है और इतना डिसिप्लिन हमारे जीवन में, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में भी है, तो आप सेल्फ स्टडी से आराम से एग्जाम क्रैक कर सकते हो। और अगर आपने बहुत पहले कोचिंग ले भी लिए, कुछ स्टूडेंट्स ने अगर ले लिए, एक दो अटेम्प्ट एग्जाम का दे चुके हैं, नहीं लगता है जरूरत नहीं है कोचिंग की, तो नो नीड टू कॉन्स्टेंटली गो फॉर कोचिंग। लेकिन काफी ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको कंसिस्टेंसी बनाने के लिए, रूटीन बनाने के लिए या एक मोटिवेशन या किक मिलने के लिए कि उठो जागो प्रिपरेशन करो, उसके लिए हो सकता है उनको कोचिंग की जरूरत हो, तो वो डेफिनेटली जा सकते हैं। अदरवाइज इफ अ पर्सन इज डिसिप्लिन्ड एंड कंसिस्टेंट देन नो नीड टू गो फॉर कोचिंग, यू कैन क्रैक योर एग्जाम विद सेल्फ स्टडी। सो आई होप कि ये चीजें आपको हेल्प करेगी एनालाइज करने में अपना परफॉर्मेंस एंड अपना माइंडसेट कि क्या आपको कोचिंग की जरूरत है या सेल्फ स्टडी आपके लिए सफिशिएंट है। एंड रिमेंबर दिस थिंग, देयर हैव बीन मेनी स्टूडेंट्स हु हैव क्रैक देयर एग्जाम इन दी ओनली विद द हेल्प ऑफ द सेल्फ स्टडी। उन्होंने बिना कोचिंग के अपने सीनियर्स से, अपने टीचर्स से थोड़ा बहुत गाइडेंस जरूर लेते हैं वो, या जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी जज बन चुके हैं उनका भी गाइडेंस जरूर लेते हैं, उनका एक्सपीरियंसेस समझ के वो सेल्फ स्टडी से भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। सो रिमेंबर दैट। सो आई होप ये एडवाइस आपके लिए जेन्युइनली हेल्पफुल थी। वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन। टिल देन थैंक यू सो मच।